तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे जो जुलेखा सिंगर हैं और इसाक भाई हैं, इनका घर और जीवन कैसा है, ये लोग किस घर में रहते हैं और किस तरीके का अपना जीवन जीते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये इनकी जितनी तंगड़ी कला है, क्या इनके उतने तंगड़े मकान हैं या इनकी उतनी तंगड़ी हैसियत है, तो आइए आज मैं सबसे पहले आपको जुलेखा का मकान दिखाते हैं। भाई देख सकते हैं, ये जुलेखा का मकान है, बहुत तगड़ा। ये सारा परिवार है इनका, ये लोग बैठे हुए हैं। ये घर है भाई, छोटा सा घर है, इसी में रहते, लेकिन अच्छा छोटा बना है। लेकिन जुलेखा भी, ये तो था जुलेखा जी का घर। अब हम आपको दिखाते हैं महमूद भाई का घर, जो गाने की रिकॉर्डिंग है इनका, जो रिहर्सल है वो चल रहा है महमूद भाई के घर। भाई बहुत छोटा घर है, बहुत ही ज़्यादा छोटा वो घर है इनका, और इस हाल में रहते हैं यहाँ पर। ये देखिए सभी लोग हैं, ये थोड़ा मैं चप्पल उतार दूँ घर में। भाई जब भी जाओ तो किसी के जूते चप्पल उतार के ही जाना चाहिए। और ये देखो भाई, ये रहे हमारे महमूद भाई। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? यही इतना ही सब कुछ है जो कुछ है। और ये रही किरण, ये सभी लोग हैं गाने का शूटिंग के लिए, सब लोग तैयार हुए हैं। तो क्या बोलना चाहोगे जुलेखा जी? अगर आप गाना हमारा पसंद हो तो आप लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए भैया, आगे बढ़ाइए। तो हम गरीब लोग, भाई गरीब लोग हैं, बहुत छोटा परिवार है और इसी में अपना ये लोग घर खर्चा चलाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने इनको जो एक कला है ना वो इनको दे रखी है। ये कला बहुत अच्छी करते हैं, ये जो गाने की इनकी कला है, प्रतिभा है, ये इनके अंदर बहुत अच्छी है भाई। लेकिन इनका जो रहन सहन है वो बहुत छोटा है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। देखो एकदम ये लकड़ी है ना, ये छप्पर इसे बोलते हैं हमारे देहाती गाँव की भाषा में। ये सब लकड़ी का बना हुआ है, ऊपर से पक्का लेंटर भी नहीं है, झुग्गी में रहते हैं यूँ समझ लो। ये सब है भाई, इसमें रहते हैं। लेकिन भाई बहुत मेहनत के साथ साथ आपके लिए ये गाना गाते हैं, जितना भी है भाई अपना शान से रहते हैं। ये नहीं है कि भाई किसी के साथ मांग के खाएं, अपना कला दिखाते हैं और कमाते हैं। हाँ, अपना कला दिखा के गा बजा के कमा लेते हैं, खाते हैं। तो भाई आप लोगों का इनको घर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इसाक तो भाई बराबर में इसाक भाई का घर है, उनका भी ऐसा ही है। बस अपना अभी इसाक भाई थोड़ा सूरत गए हुए हैं, वो आ जाएंगे अपने किसी काम, पर्सनल काम से। अब सब लोग का बराबर में घर है, यहीं रह रहे हैं और अपना जीवन का दिनचर्या है यहीं से चलाते हैं। सबका छोटा छोटा घर है, दिखा लिया है जुलेखा का कितना छोटा, ये महमूद भाई का घर है। लेकिन जितना छोटा कला उस हिसाब से इनकी, जितना छोटा इनका घर है उस हिसाब से इनकी कला बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अंदाज में गाते हैं। तो भैया सब लोग को लाइक करें और शेयर करें। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा भाई, कि आज जुलेखा जी का यह सब अंदाज आपने देख लिया, कितना छोटा घर है और गाना कितना बड़ा है। तो इनकी लड़की है, उनकी शादी है, और इनका जो पैसे की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इनका कहना यह है कि बेटी की शादी है जी, अगला महीना जा रही हूँ मैं, गांव जा रही हूँ, बेटी की शादी है, अगर हो सके तो आप सब मदद कीजिए। मैं अपना नंबर कहो तो बता दूँ, उस पर आप जो भी देना चाहे मुझे सब मंजूर हो। भाई जुलेखा जी की लड़की है, आपको स्क्रीन पर जो स्कैनर दिखाया जाएगा वो जुलेखा जी का स्कैनर दिया जाएगा। आप लड़की के हित में जो चाहें वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कला दिखाई, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अपना जितना दिमाग से याद कर लेते उतना गाते हैं, उस कला के हिसाब से जो आपसे बनता है वही आप इनको गिफ्ट करें, ताकि इनकी शादी में कुछ हेल्प हो जाए। मेरा नंबर भी ले लीजिए, 88 26 73 61 50। इसी पर फोन पे पेटीएम भी कर सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं, कहीं प्रोग्राम है वो भी करवा सकते हैं। हाँ जी, और आपको स्क्रीन पर QR भी दे दिया जाएगा, अगर किसी टाइम कोई इशू आता है तो QR पे स्कैन करके भी इनाम दे दिया जाएगा जी।